हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बनाएंगे मूंग दाल का हलवा। तो मैंने एक बाउल चीनी का लिया हुआ है, एक बाउल दाल का, एक गिलास दूध और आधा बाउल सूजी का लिया हुआ है। तो मैं दाल को ग्राइंडर जार में डाल के दाल को दरदरा पीस लिया है। मैंने कढ़ाई के अंदर घी डाल लिया था, तो घी हमारा पघल चुका है। तो मैंने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हुए हैं, काजू और बादाम, इनको थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, इनको बाहर निकाल लेते हैं। मैंने छोटा आधा बाउल सूजी का लिया हुआ है, तो मैं इसी घी में इसको पकाऊंगी सूजी को। गैस की फ्लेम लो रखें। सूजी भी अच्छे से पक चुके हैं, तो मैं दाल को डालती हूँ। दाल डालने के बाद 2 चम्मच घी और डालेंगे। मिक्स कर लेते हैं, दाल हमारी अच्छे से पक जाएगी। दाल को हल्का सुनहरा रंग होने तक चलाते रहेंगे। दाल का हल्का सुनहरा रंग हो चुका है, तो इसमें दूध डालेंगे। ये अच्छे से पक भी चुकी है। एक गिलास डाल दिया, मैं एक गिलास और डालूंगी। दूसरा गिलास डालती हूँ, इसको चलाते रहिए। तो इसको कुछ देर और पकाएंगे। जब तक पकाएंगे कि हमारा हलवा घी छोड़ना शुरू हो जाएगा तब तक। तो मैं साथ साथ में चीनी को भी डाल देती हूँ। चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये घी छोड़ना शुरू हो चुका है, तो कुछ देर और चलाएंगे इसको और अच्छे से घी छोड़ जाएगा। ये अच्छी तरह से घी छोड़ चुका है हलवा, साइड से भी देखिए। तो मैं इसमें भी डालूंगी ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट को मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मैंने ड्राई फ्रूट को मिक्स कर लिया है, तो ये हलवा बन के तैयार हो चुका है। गैस को बंद कर देते हैं। मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। हलवा बन के हमारा तैयार हो चुका है, तो इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई करें। कमेंट करके मेरे को आप ज़रूर बताएं आपका हलवा कैसा बना है। और चैनल को नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।